गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 के बारे में। और जहाँ तक है, हम 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट की वीडियोस में। होप आप सभी लोगों के भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक वाइज। एंड आपका जो आज का चैप्टर का नेम है, मतलब 14 चैप्टर का जो नेम है, वो रहने वाले विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आखिर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कौन कौन से होते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आपको पता है कि इस चैप्टर में आपको विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव हैं उसके बारे में बात की गई है। और साथ ही इसमें बताया गया है जो विद्युत होती है वो किसी भी पदार्थों के तो गुजरती है, तो उसमें से रासायनिक पदार्थ जो प्रभाव है वो उत्पन्न होता है। अब लेपन के बारे में भी आपको बताया गया है। एक विद्युत लेपन एक वर्ड होता है, एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया गया है। साथ ही आपको बताया गया है जो अम्ल होते हैं, जो क्षारक होते हैं, दोनों जब विद्युत का प्रभाव होता है दोनों में तो कुछ चेंज होने लगता है। क्या चेंज होने लगता है, कैसे चेंज होता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, रिपीट अगेन, एंड आपको वीडियो का एंड तक देखना है। सो स्टार्ट कर देते हैं आज के चैप्टर को। आपको पता है कि रासायनिक धारा के जो प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो रासायनिक जो प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपको पता है जो विद्युत धारा होती है, देखिए विद्युत धारा को तब भी अगर ऐसे घोल, मतलब ऐसे घोल थे वो का पास कराया जाता है, जो घोल होता है ना उसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या हो गया, वो रासायनिक एक प्रभाव हो गया। फॉर एग्जाम्पल बताया जाए तो कि जब भी आप क्या करेंगे, जब भी विद्युत प्रभाव होता है, मतलब एक बिलियन से होकर गुजरता है, तो जो बिलियन है ना, तो उस बिलियन में कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। ऐसे ही हम विद्युत प्रभाव का जो रासायनिक प्रभाव है उसको कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है कि ये आपको डेफिनेशन याद भी कर लेनी है कि जब भी विद्युत प्रभाव को एक बिलियन से होकर गुजरना पड़ता है और उस बिलियन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत का रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रोड हो गया तो गैस के जो बुलबुले हैं ना वो बनना शुरू कर देते हैं, धातु का जमाव होना, तो ये आपको देख सकते हैं आप काफ़ी। और जो घोल होता है ना उसका कलर भी चेंज होने लगता है मोस्टली, तो ये आपका क्या होता है, ये रासायनिक प्रभाव की हो रहा है। देन अगर बात करी जाए स्वचालक के बारे में, तो मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में भी बताया था, लास्ट के चैप्टर्स में, लास्ट की क्लासेस में भी आपने पढ़ा था, जो स्वचालक होता है ना वो क्या होता है, जिसमें से विद्युत धारा एक तरीके से आसानी से प्रभाव होता है, ठीक है, आसानी से पास हो सकती है उसमें से धारा, तो उसे हम लोग स्वचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वचालक बोलते हैं। अब जैसे कि हीन चालक के बारे में बात करी जाए कि हीन चालक क्या होता है, तो ठीक है, तो आपका जो हीन चालक होता है वो आपको यहाँ पे काफ़ी इजीली समझ जाएगा। जो पदार्थ होता है ना, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, स्वचालक में होने देते हैं आसानी से, बट हानिचालक में, हीन चालक में बिल्कुल नहीं होने देते हैं, और वो विद्युत के हीन चालक होते हैं। अगर बताया जाए आपको हीन चालक कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हीन चालक है ना उसके कहने का मतलब, उसमें से जो विद्युत है वो काफ़ी अल्प मात्रा में प्रभावित होता है, अल्प मिस होता है कम, ठीक है, क्या होता है, अल्प मिस होता है कि काफ़ी कम मात्रा में, तो काफ़ी कम मात्रा में वो प्रभावित होने देता है विद्युत धारा को अपने में से, तो वो आपका हीन चालक होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्वचालक के बारे में समझ आया और हीन चालक के बारे में भी समझ आया। देन यहाँ पे बात करेंगे कि किन पदार्थों से जो विद्युत का चालन है वो आसानी से हो जाता है, कौन से वो पदार्थ हैं, आइए उसके बारे में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए, मे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है जो अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल हो गया और आपका लवण हो गया, तो ऐसे पदार्थ जिसमें से एसिड पाई जाती है, ठीक है, जिसमें एसिड पाई जाती है, जैसे अम्ल लवण है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें एसिड पाई जाती है, जिसमें जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा का जो चालन है, ठीक है, वो चालन काफ़ी काफ़ी आसानी से हो जाता है उसमें। और आप देखेंगे इसमें जब भी आपका संक्षेपित, जैसे कि दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों के बीच में आपने द्रव रखा, ठीक है, द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब परिपथ को पूरा हो जाने के बाद ही जो परिपथ है ना उसमें विद्युत धारा का प्रभावित होती है, देन जो बल्ब होता है वो दीप्त करने लगता है, आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं।
लेकिन आपको ये भी रखना है कि जो अगर बल्ब दीप्तिमान नहीं करता है, ठीक है, अलग अगर बल्ब जलता नहीं है तो इसका कारण क्या होता है, अगर आपको बताया जाए इसका कारण यहाँ पे, तो जब भी कोई द्रव है, ठीक है, द्रव विद्युत धारा से अपने में तो होकर प्रवाहित नहीं होने देता है। समझने की कोशिश करें हम, जब भी जो द्रव होता है वो विद्युत धारा को अपने में से होने की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। तो जो आपका जो भी पदार्थ जो भी परिपथ है वो पूरा नहीं हो पाता है, परिपथ पूरा होगा तो बल्ब भी दीप्त होगा, लेकिन परिपथ पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे, उसका प्रोसेस नहीं पूरा हो रहा है, तो इसीलिए वो दीप्तमान नहीं कर रहा है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है काफ़ी इजीली से। आप इससे पिक्चर को देखें और इसे देखिए, इसमें डिफरेंस जानने की कोशिश करें तो आपको काफ़ी इजीली समझ आएगा, और आपको इजीली समझ आना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट के क्लासेस में मैं आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें बता चुकी हूँ, और आप लोगों के काफ़ी डाउट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन जिसने मेरी वीडियो को जिसने लास्ट के क्लासेस नहीं पढ़े हैं, दैट्स मीन 6th 7th नहीं पढ़ा है, तो पहले जाके आप उन वीडियोस को देखें कंप्लीट, देन आप इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी इजीली समझ आएगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करी जाए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में, तो आप लोग जानेंगे कि जो भी घोल होता है, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि घोल के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो वह घोल जिसके माध्यम से हम विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है, तो घोल में कुछ ऐसे चेंजेस होने के कारण विद्युतीय बल्ब जलने लगता है। अब ऐसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हम बोलते हैं, इसे क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि घोल जिसके माध्यम से धारा प्रभावित होती है, घोल में कुछ चेंजेस आते हैं और जो बल्ब होते हैं वो दीप्त करने लगते हैं, मतलब जलने लगते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। अगर आपको बताया जाए कि जल में डूबे हो या फिर उसके द्वारा विचलन में जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित की जाए, जैसे ऑक्सीजन है तथा हाइड्रोजन है, कि बुलबुले काफ़ी इजीली उसमें उत्पन्न होने लगते हैं, यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी इजीली से। और इसके बारे में आप ये भी जानेंगे कि वो दीप्त तो करने लगे, जो ऑक्सीजन के बुलबुले हैं ना, जैसे कि आपका बैटरी हो गया, बैटरी से धन टर्मिनल हो गया, और जैसे आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो बुलबुले हैं वो दूसरे से बनते हैं। अगर आपको ये जानना है यहाँ पे कि जो भी इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो आपको ये जान लेना है, जो भी इलेक्ट्रोड होता है ना, जैसे एक विद्युत कंडक्टर है जिसका उपयोग जो होता है ना, वो एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट बनाने में, या फिर जो अन्य पदार्थ हैं उससे अदर जो पदार्थ होते हैं उनके संपर्क से काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अब आप यहाँ पे एक वर्ड आया था कि इलेक्ट्रोलाइट, आखिर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसके बारे में बात करी जाए, सो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि एक ऐसा पदार्थ जो विलयन को क्या करता है, आयन, जैसे कि चार्ज कण होता है, अब उसमें काफ़ी उसको क्या करता है, वो तोड़ देता है। अब तोड़ने के बाद में जो विद्युत चालन करने की जो क्षमता है वो उसको प्राप्त कर देता है, ठीक है, प्राप्त कर लेता है काफ़ी इजीली, यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब आता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या होता है, आपको पता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है। तो पता क्या होता है कि वह प्रक्रिया कि जैसे क्या होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रोड होता है ना वो बिजली के जो घोल होता है, ठीक है, बिजली हो गया, अब घोल में से होकर गुजरती है, अब गुजरने के बाद में क्या होता है, कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रिया के कारण जो आयन है ना वो बनाती है। अब ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, और जैसे अभी तक आपने जाना, काफ़ी को जानने की कोशिश करी अभी तक आपने जाना कि जो भी जैसे कि किसी चालक के विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसके फलस्वरूप जो भी इलेक्ट्रोड है, जो भी गैसे हैं, बुलबुले बन सकते हैं। अब जो आपने जाना कि इलेक्ट्रोड जो होता है वो जैसे धातु के पेक्ष में देखे जा सकते हैं, विलयनों का रंग में भी परिवर्तन होता है, मतलब उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किए जाने वाले जो भी विलयन है, जो भी इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर वो निर्भर करती है। ये विद्युत धारा जो होती है उसके कुछ रासायनिक प्रभाव होते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे से मैंने इस वीडियो में समझाया। अगर कोई भी डाउट रहता है आप लोगों का, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अगर आप वीडियो को 2 times देखते हैं और वीडियो को एंड तक देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बिना डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के पूछ सकते हैं, और आपका डाउट बहुत ही जल्दी क्लियर कर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।
अदरवाइज आप सभी लोग अपनी हेल्थ का